الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضى كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواريها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله अलखैर फाउंडेशन ने पाकिस्तान में 2010 में आने वाले सैलाब में इमदादी सरगर्मियां शुरू की तो इमाम कासिम रशीद सैलाब के 10वें दिन ही पाकिस्तान पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। वो सैलाब से शदीद मुतासिर इलाकों में गए और मुतासिरा खानदानों में नकद रुकूम के साथ साथ राशन तकसीम किया। वस्ती पंजाब के शहर कसूर के देहातों में जब दरिया के पानी ने तबाही मचाई तो इमाम कासिम रशीद खुद मुतासिरा इलाके में पहुंचे। उन्होंने बेघर लोगों तक खुराक और राशन पहुंचाया और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी की। भूख और प्यास से बेहाल चारों तरफ पानी में घिरे लोगों के लिए ये बरवक्त मदद थी जो अलखैर फाउंडेशन ने पहुंचाई। जुनूबी पंजाब में सैलाब के दौरान इमाम कासिम रशीद ने कोट अद्दू में एहसास मेडिकल हस्पताल कायम किया जिसका इफ्तिताह वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने किया। तकरीबन 1000 के करीब लोग रोजाना इस अस्पताल का रुख करते जिनका मुफ्त इलाज किया जाता और दवाइयां दी जाती। सैलाब मुतासिर इलाकों में मदद और बहाली के कामों का जायजा लेने के लिए इमाम कासिम ने मुतअद्दिद बार मुतासिर इलाकों का दौरा किया। नाज़रीन इकराम, मेरे ये आने का मकसद ये था कि मैं खुद अपने हाथों से ये प्रोजेक्ट डिलीवर करूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जहां तक हो सकता है कोशिश की है कि आपका दिया हुआ डोनेशन ज़कात सदक़ात आतियात अपने हाथ से लोगों तक के पहुंचाऊं और यहां पर ये कह लीजिए कि वो सिलसिला जारी हो चुका है। उस इन दौरों के दौरान अलखैर फाउंडेशन के चेयरमैन की खसूसी तवज्जो का मरकज रहे जिस्मानी तौर पर माजूर मर्द, ख्वातीन और बच्चे। मुआशरे में मामूल की जिंदगी गुजारने में मदद देने के लिए जिस्मानी तौर पर माजूर मुस्तहक अफराद में 3000 के करीब व्हील चेयर्स तकसीम की गईं। जुनूबी पंजाब के शहर मुजफ्फरगढ़ में एक ही दिन में 1000 से जायद व्हील चेयर्स मुस्तहक मर्दों, ख्वातीन और बच्चों में तकसीम करके पाकिस्तान में नई तारीख रकम की। व्हील चेयर्स मिलने के बाद हजारों ऐसे जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद हैं जो अब अपनी जिंदगी का पहिया खुद चलाने के काबिल हो गए हैं। व्हील चेयर या ये कह लीजिए कि माजूरीन के लिए आलात जो लोग उजर के साथ हैं उनको असबाब वसाइल मुहैया करना ऐसा ही है जैसे किसी को हाथ या पैर दे देना। इमाम कासिम ने सैलाब से मुतासर इलाकों में जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को घर भी तामीर करके दिए। उनके कूचे में गए तो उनके कूचे में गए। पाकिस्तान में आने वाले खौफनाक सैलाबों ने जब लोगों से उनके घरों की छतें तक छीन ली थीं और हजारों लोग खेमों में रहने पर मजबूर थे तो इमाम कासिम ने बेआसरा लोगों के घरों की तामीर के लिए इकरा टेलीविजन पर बराह रास्त अतियात की अपील की।
कि वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी इस मुल्क के लिए, ये वो फैमिली है इधर भी और उधर भी जो मस्जिद के लिए चटाइयाँ बनाते हैं, चटाइयाँ बना करके बेचते हैं, ये या तो चटाइयाँ बनाते हैं उससे या जो छत के ऊपर छप्पर सा डालते हैं वो बना करके बेचते हैं। मेहनत कश लोग हैं, 81 साल का बूढ़ा है लेकिन अभी भी चटाइयाँ बना रहा है, क्या उसकी ये काम करने की उम्र है? ये करना पड़ रहा है उसको इसलिए कि सैलाब उसका सब कुछ बहा ले गया। तो जिन लोगों ने हमारी नस्ल की खातिर, बल्कि हमारे वालदेन की उम्र की खातिर जो है अपनी जान लड़ा दी, अपना सब कुछ लड़ा दिया, क्या हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? सिर्फ 20 दिनों में अलखैर फाउंडेशन सैलाब से मुतासरा कस्बे महमूद कोट में 80 घर तामीर करने में कामयाब हो गई। इमाम कासिम रशीद ने बनफ्स नफीस इन इलाकों का दौरा किया और मुस्तहक खानदानों में अलखैर फाउंडेशन की तरफ से 9 तामीर शुदा घरों की चाबियां तकसीम की। बेघरी और दरबदरी के इस आलम में इन लोगों के लिए यकीनन ये एक ऐसी नबीद थी जिसने मामूल की जिंदगी के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे खानदानों पर खोलने शुरू किए। नए घरों की मलकियत के एहसास से इनके चेहरों पर खुशी और कामरानी के जो तासुरात थे वो देखने से ताल्लुक रखते थे। इमाम कासिम ने एक और मुतासरा गांव एहसानपुर में अलखैर की तरफ से मिसाली बस्ती की तामीर के दौरान मजदूर की तरह एक ही रात में एक घर को मुकम्मल करने के काम में हिस्सा लिया। यही वो जज्बा है जो उनकी दुखी इंसानियत की खिदमत के वलवले का गवाह है। अलखैर फाउंडेशन माशाल्लाह डे वन से है यहाँ पर और इंशाल्लाह जब तक ये हालात काबू नहीं आएंगे हम काम करते रहेंगे, चाहे उसमें साल लगे, चाहे उसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, या जो भी अरसा लगे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो कोई भी अल्लाह के घर की तामीर करेगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। इमाम कासिम रशीद ने सैलाब से मुतासर इलाकों में अलखैर फाउंडेशन की तरफ से मसाजिद की तामीर के मंसूबे के तहत 20 मसाजिद की बुनियादें रखी और इनके तामीराती काम में बजात खुद हिस्सा लिया। अमीनुन, 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 अमीनुन। सैलाब से शदीद मुतासरा मस्जिद को शहीद करने जैसे सख्त काम में हिस्सा लिया। वो इस काम में इतने इन्हमाक और मेहनत से काम करते रहे कि उनके और मजदूरों के दरमियान तकसीस करना मुश्किल था। इमाम कासिम रशीद ने सैलाब से मुतासर इलाकों में अलखैर फाउंडेशन के तहत 1750 मसाजिद की तामीर का मंसूबा तश्कील दिया। अलखैर फाउंडेशन इंसानियत की फलाह को एक मिशन के तौर पर लेकर आगे बढ़ रही है और अल्लाह की मदद और लोगों की इमदाद से बहुत जल्द अपने इस मकसद को पा लेगी। सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरों के दौरान फर्जंदान इस्लाम में कुरान पाक के 25,000 नुस्खे तकसीम किए। सैलाब की तबाहकारियों, मुतासरीन की हालत इजार बताने और इमदादी काम की नौयत जरूरत से आगाह करने के लिए इमाम कासिम रशीद ने मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंसेस का अहतमाम किया। मैं आज उन लोगों से ख़िताब करना चाहता हूँ जिनको अल्लाह ने खूब दिया है, जिनको अल्लाह ने इतना दिया है कि आपके घर का एक दिन का ख़र्चा हो सकता है 1 लाख रुपए हो, कि आपके एक दिन के ख़र्चे से, आपके एक दिन के ख़र्चे से एक पूरी फैमिली का पूरे साल का गुज़र हो सकता है। सैलाब के जोर से जहां सब कुछ टूट फूट गया था वहीं शाहराएं और रास्ते भी इससे मुबर्रा नहीं थे, मगर ये रुकावटें इमाम कासिम के फलाह के रास्ते की दीवार न बन सकीं। करीम, 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 करीम।
كريم كريم يا وجيه الدين وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر متاثرہ لوگوں تک پہنچے وحلیف العلم والحکم نبی جہاں تک موٹر سائیکل یا سائیکل نہیں جا سکتے تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے امام قاسم رشید نے گاؤں کی روایتی سواریوں پر سفر کرنے سے بھی گریز نہ کیا نبی نبی وصلا امام قاسم رشید اپنی ٹیم کے مورال کو بلند کرنے کے لیے ان کے لیے کھانا تک خود بناتے رہے تتغاشا سید الامم مصطفی مصطفی الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین نے متاثرہ علاقوں میں سفر کے دوران بچوں پر خصوصی توجہ دی اور شفقت و محبت سے پیش آتے رہے مصطفی مصطفی امام قاسم جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے بچوں میں تحائف اور کھلونے تقسیم کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیا عدد الاوراق انہوں نے بچوں میں کتابیں اور سکول بیگ تقسیم کیے انہوں نے عید کے موقع پر متاثرہ علاقوں کے بچوں کے لیے خصوصی طور پر فن فیئر کا اہتمام کیا وہ بچوں کے ساتھ گھل مل گئے خوش گپیاں کیں اور ان کے ساتھ جھولا جھولے اور بچوں کو بھی جھولے جھلاتے رہے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں اور متاثرین کے حوصلے بلند کرنے کے سفر میں امام قاسم نے خود کئی تکالیف برداشت کی موسموں کی سختیاں جھیلی مگر انسانیت کی فلاح کی اس راہ میں ان کے پائے سفر میں کہیں لغزش نہیں آئی وہ ہر اس مقام تک پہنچے وہ ہر اس گاؤں میں گئے انہوں نے ہر اس قصبے کا سفر کیا جہاں دکھی لوگوں کو مدد اور حوصلے کی ضرورت تھی الخیر فاؤنڈیشن کے چیئرمین امام قاسم رشید صدقات و عطیات دینے والے ان تمام لوگوں کے بے حد ممنون ہیں جنہوں نے الخیر فاؤنڈیشن کے دکھی انسانیت کے سفر میں قدم قدم پر الخیر کا حوصلہ بڑھایا اور ساتھ دیتے رہے آپ سے گزارش ہے کہ ہر وقت آپ جو ہے ماشاءاللہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو مکانات بنا کے دیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو سڑکیں بنا کے دیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو اسکول بنا کے دیے اور میڈیکل کی فیسلٹی دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ مسجد آپ کو بنا کر کے دی ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پکا مسلمان بنائے سچا مسلمان بنائے اور ان سے دین کا کام لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور کرے اور ان کے لیے خیر و برکت کا فیصلہ فرمائے الخیر فاؤنڈیشن ہر دکھی اور بے آسرا چہرے پر مسکراہٹ اور جینے کی امنگ دیکھنے کی راہ پر گامزن ہے خوشیوں اور مسکراہٹوں کے سفر کی منزل کے حصول کے لیے الخیر فاؤنڈیشن کی مسلسل مدد اور رہنمائی کرتے رہیے